हाय गाइस फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। गाइस, यूनिवर्सल गेट्स बेसिकली वो लॉजिक गेट्स होते हैं जिन लॉजिक गेट्स का यूज़ करके हम कोई भी अदर लॉजिक गेट इजीली डिज़ाइन कर सकें। द लॉजिक गेट्स यूजिंग विच वी कैन इजीली डिज़ाइन ऑल लॉजिक गेट्स आर रेफर्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। तो गाइस, जो यूनिवर्सल गेट हैं बेसिकली वो दो ही गेटों को बोला जाता है, एक तो आपका नैंड गेट और एक फ्रेंड नोर गेट। नैंड और नोर दोनों ही यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, क्योंकि नैंड और नोर का यूज़ करके हम किसी भी अदर लॉजिक गेट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज, देखते हैं किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, सपोज कीजिए आपको डिजाइन करना है एंड गेट यूजिंग नैंड। नैंड का यूज करके आपको एंड गेट डिजाइन करना है, नैंड गेट का। तो गाइज सिंपल है, नैंड जब आपने एंड गेट के आगे कॉम्प्लीमेंट लगाया था, नोट गेट लगाया था, तो आपको नैंड गेट मिला था। नैंड गेट आपका ये गेट होता है, यहां आपका आउटपुट है ए इंटू बी बार। अब गाइज, अगर आप इसके आगे वापस से एक नोट गेट लगा देंगे, नोट गेट, तो फ्रेंड्स आपको एंड गेट वापस से मिल जाएगा। लेकिन गाइज, क्योंकि यूज नैंड गेट का ही लेना है, तो गाइज नैंड गेट का अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो आपको वहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स, कि अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट सेम कर दिए जाए तो वो गेट आपका नोट गेट की तरह एक्ट करता है। तो आपको इस तरीके से आप इजीली एंड गेट से नैंड ओ सॉरी नैंड गेट से एंड गेट आपने डिज़ाइन कर लिया है। अब क्या है फ्रेंड्स, अब नोट गेट अगर डिज़ाइन करना हो, वो मैंने वैसे आपको ऊपर बता ही भी दिया है, नोट गेट यूजिंग नैंड। नैंड गेट का यूज़ करके आपको नोट गेट बनाना फ्रेंड्स। तो गाइज सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको दोनों इनपुट नैंड गेट के या फिर नोर गेट के सेम कर देने हैं। हमने यहाँ दोनों इनपुट ए कर दिए गाइस, तो आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा ए बार, विच इज नथिंग नोट गेट। तो गाइस ये आपका नोट गेट है। अगर आपको एंड गेट बनाना है नैंड गेट से, तो आपको क्या करना है, जो नैंड गेट है उसका जो आउटपुट आ रहा है उसका आगे नोट गेट लगा देना है, तो नोट इस बार को रिवर्स हटा देगा और आपका एंड गेट की तरह वर्क करेगा। अब फ्रेंड्स, अब सपोज करते हैं हमें डिज़ाइन करना है और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो गाइज, जो नैंड गेट है उसका यूज़ करके हमें और गेट डिज़ाइन करना है। गाइज और गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, वो होती है आपकी ए प्लस बी। मीन्स हमें आउटपुट चाहिए ए प्लस बी। और गाइज हमारे पास फंक्शन केवल यही है, नैंड गेट। तो गाइज क्या करते हैं, आपके पास है y इज इक्वल टू ए नैंड गेट है। नैंड गेट मीन्स गाइज दिस, आपके पास ये चीज है और इस चीज को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। सपोज करते हैं इसको y डैश ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ आपको पता है कि आप नोट गेट कैसे बना सकते हैं नैंड का यूज करके, और आप एंड गेट कैसे बना सकते हैं। तो गाइज मेनली तो नोट गेट का ही, सपोज कीजिए यहाँ मैं दोनों इनपुट बार दे दूं और ये कर दूं गाइज। मीन्स अगर ए का मैं यहाँ ए ना देके ए बार दूं और यहाँ बी बार दूं गाइज, तो ये डी मॉर्गन लॉ के द्वारा क्या हो जाएगा गाइज, कि जब ये कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट सोल्व होगा तो ये सिंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये जो साइन है ये आपका चेंज होके एडिशन हो जाएगा गाइज। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉर्मल। तो गाइज इस तरीके से हम आसानी से y डैश का यूज करके ये बना सकते हैं। तो गाइज ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट लगाया है कि हमें ये अप्रोच लेके चलनी है। अब गाइज क्या है, मेन तो फंडा ये ही है, आपके पास ये है, ये चीज है आपके पास, क्योंकि आपके पास नैंड गेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने नैंड का क्या किया है, कि जो a इनपुट है उसको a बार बनाया है और b को बी बार बनाए।
तो बस बाकी एज इट इज़ फ्रेंड्स आपका। अब वो क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि आपको सबसे पहले ये हमने ए इनपुट लिया, लेकिन ये क्योंकि दोनों टर्मिनल इसके सेम कर दिए तो ये एक्ट करेगा एज ए नोट गेट। है ये नैंड गेट, लेकिन ये नोट गेट की तरह वर्क करेगा गाइज। इसी तरीके से यहाँ बी लिया और ये नोट की तरह वर्क करा, ये हमें ये चीज़ मिल गई ए बार बी बार मिल गया। अब गाइज हमें क्या करना है, अब हमें इसका केवल नैंड ले लेना है। यहाँ एक फंक्शन ए बार है, एक बी बार है, उसका नैंड गेट। तो गाइज इसके आगे आप सिंपल नैंड गेट लगा दीजिए। नैंड गेट क्या करेगा गाइज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और गाइज वो मैंने आपको बता ही दिया सोल्व करके कि डी मोर्गन्स लॉ से क्या होता गाइज कि कॉम्प्लीमेंट सिंगल सिंगल सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन साइन आपका चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट गाइज सिंपल टर्म होगी। और गाइज ये ए प्लस बी किसके बुलियन एक्सप्रेशन होती है गाइज, ये होती है ओर गेट की। तो गाइज इसी इस तरीके से हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया और नैंड गेट को ओर गेट में। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम आसानी से नैंड गेट का यूज करके ओर गेट की डिजाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सेम तरीके से आपको नोर गेट का यूज करके कर लेना है। अगर देखते हैं एग्जाम्पल, सपोज कीजिए नोर गेट का हम करते हैं, तो गाइज नोर गेट का यूज करके अगर आपको एंड और गेट बनाना गाइज, तो वही बिल्कुल सेम चीजें आपको दोनों टर्मिनल सेम कर देने हैं। तो आपका ये नोर गेट जो है आपका गाइज स्लाइटली टिल्टेड, ये नोर गेट आपका नोट गेट बन गया इस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज नोर गेट। अब फ्रेंड्स ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। अब क्या करना है, नोर गेट का यूज करके आपको और गेट अगर बनाना हो, तो गाइज नोर गेट का जो आउटपुट आपके पास आ रहा है ए प्लस बी बार, उसके अगर आपको एक नोट गेट और लगा दे, नोट गेट गाइज क्या, नोर गेट के दोनों टर्मिनल्स आप सेम कर दीजिए, तो गाइज ये आपको और गेट डिजाइन हो गया आपका नोर गेट का यूज करते हुए। बिल्कुल सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं गाइज, अगर आपको डिजाइन करना हो एंड गेट यूजिंग यूजिंग नोर गेट। तो गाइज जैसा कि हमने ऊपर फॉलो किया है, जब हमने डिजाइन किया था और गेट को नैंड गेट के द्वारा, तो ये इस बिल्कुल सेम एज इट इज आप डिजाइन कर सकते हो एंड गेट का नोर गेट के यूज करके गाइज। तो करना क्या, सबसे पहले आप दो इनपुट आपने लिए, यहाँ आपने नोर गेट लगाया तो आपके पास ए बार आया गाइज बिल्कुल, या आपने फिर से नोट गेट लगाया यहाँ आपके पास बी बार आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको नोर गेट में, दोनों इनपुट्स को अगर नोर गेट में दे देते हैं दोबारा से, तो गाइज नोर गेट का फंक्शन क्या होता है, एडिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन। तो गाइज ये आपको मिला, और फिर से डी मॉर्गन रूल अगर आप देखोगे तो गाइज बार सेपरेट होंगे, और गाइज ये सिंपल आपका ए बार ओ ए इंटू बी बन जाएगा। और गाइज ए इंटू बी जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है किसकी होती है, एंड गेट की। तो गाइज इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि नैंड और नोर गेट जो है यूनिवर्सल गेट क्यों होते हैं गाइज, और इसमें मैंने आपको बताया भी कि आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और गेट को नैंड और नोर का यूज करके, या फिर एंड गेट को नैंड और नोर का यूज करके। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। थैंक्स।